हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का एक प्रॉब्लम लिए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के दो स्पेशल लेक्चर आपको दिए थे। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा अ हेक्सागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 30 mm एंड हाइट 55 mm लाइज ऑन वन ऑफ इट्स स्लैंट फेस that is triangular face on HP, the edge of base lying on the HP makes an angle of 45 degree with the VP. तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो ये हेक्सागोनल पिरामिड का प्रॉब्लम है। हेक्सागोनल पिरामिड का साइड ऑफ बेस दिया है 30 mm और उसका हाइट, इसका मतलब उसका एक्सिस दिया है 55 mm। क्वेश्चन में लिखा है हेक्सागोनल पिरामिड लाइज ऑन वन ऑफ इट्स स्लैंट फेस ऑन एचपी, इसका मतलब उसका एक ट्रायंगुलर फेस एचपी में है, यानी स्लैंट फेस एचपी में है। आगे लिखा है कि वन ऑफ द एज लाइंग ऑन एचपी मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वीपी, इसका मतलब जब आप फेस एचपी में कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक एज ऑफ बेस एचपी में आ गया है, तो वही एज ऑफ बेस 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी करना है। तो चलिए ये प्रॉब्लम ड्रॉ करेंगे। तो हेक्सागोनल पिरामिड का बेस हेक्सागोनल शेप का होता है और ऊपर अपेक्स होता है और उसमें स्लैंट एजेस होते हैं। अब ये हेक्सागोनल पिरामिड क्या होता है, इसमें एज ऑफ बेस क्या है, कॉर्नर ऑफ बेस क्या है, स्लैंट एज क्या है, स्लैंट फेस क्या है, अपेक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ सॉलिड्स के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। आप वो वीडियो याद से देख लीजिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय हमें स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है हमेशा ट्रू शेप ऑफ बेस, सेकंड आपको ड्रॉ करना है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, थर्ड आपको ड्रॉ करना है टिल्टेड सॉलिड, फोर्थ आपको ड्रॉ करना है टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, और फिफ्थ होता है ऑक्सिलरी प्लेन से उसको इंक्लाइन करना। हम आपको स्टेप्स लिख के दे देते हैं। तो सबसे पहले होता है ट्रू शेप ऑफ बेस, तो हम लिखेंगे ट्रू शेप ऑफ बेस, ये है पहला काम, आपको ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना है। सेकंड होता है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, जिसमें आपको सॉलिड का हाइट वगैरह शो करना है, इट मींस एक्सिस का लेंथ शो करना है। यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ बेस में आपको बेस का एक्चुअल लेंथ आपको शो करना है और यहाँ पे आपको ट्रू शेप ऑफ सॉलिड में सॉलिड का जो हाइट है, एक्सिस है, वो आपको शो करना है। थर्ड होता है टिल्टेड सॉलिड, टिल्टेड सॉलिड, टिल्टेड सॉलिड में आपको क्या करना है, आपको जो भी सॉलिड दिया है उसको टिल्ट करना है, उसका मतलब उसको इंक्लाइन करना है। तो थर्ड स्टेप टिल्टेड सॉलिड, फोर्थ होता है वो टिल्टेड सॉलिड करने के बाद जो आपको टॉप व्यू मिलता है या फ्रंट व्यू मिलता है वो आपको ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू। और नेक्स्ट होता है ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन से उसको इंक्लाइन करना होता है। अब आप ऑक्सिलरी प्लेन से इंक्लाइन करो या नॉर्मल प्लेन से इंक्लाइन करो, चॉइस आपकी है। और देन आफ्टर उसका हमें साइड व्यू अगर ड्रॉ करना है तो देन उसके बाद वो ड्रॉ करना होता है। तो ये है वो स्टेप्स जो कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। तो सबसे पहले होता है ट्रू शेप ऑफ बेस, इसका मतलब पहले हमें बेस ड्रॉ करना है। अब ये ट्रू शेप ऑफ बेस में बेस हमें ड्रॉ करना है तो किस टाइप से बनेगा, यहां पे हेक्सागोनल पिरामिड है तो हेक्सागोनल बेस बनेगा, ये कंफर्म है। हेक्सागोनल बेस बनेगा तो हेक्सागोनल बेस दो टाइप के हो सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। तो या तो आप ये हेक्सागोन बनाएंगे इस टाइप से, ये देखिए ये एक ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन नंबर वन, या तो आप ये हेक्सागोन बनाएंगे या तो आप ये दूसरा ऐसा हेक्सागोन बनाएंगे, दोनों में से कोई भी एक हेक्सागोन आपको ड्रॉ करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा हेक्सागोन बनाएंगे, क्योंकि ये भी हेक्सागोन है और ये भी हेक्सागोन है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा है अ हेक्सागोनल पिरामिड हैज वन ऑफ इट्स स्लैंट फेस ऑन एचपी, क्वेश्चन में लिखा है स्लैंट फेस ऑन एचपी यानी ही ट्रायंगुलर फेस ऑन एचपी है। अब ये स्लैंट फेस ऑन एचपी है तो हमें जाहिर सी बात है हमें डेफिनेटली हमें ये ड्रॉ करना है, हमें ये हेक्सागोन ड्रॉ करना है, हमें ये हेक्सागोन ड्रॉ नहीं करना है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि यहां पे आपको वर्टिकल एज मिलता है। देखिए अगर आप ये हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे तो यहां पे आपको वर्टिकल एज मिलता है, वर्टिकल एज वाला अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ही आपको फेस मिलेगा। वैसे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय सबसे पहले बेस ड्रॉ करना होता है, ये तो कंफर्म है। ऐसे में पेंटागॉन, हेक्सागोन और स्क्वायर, ये तीन टाइप के बेस में ही जनरली कंफ्यूजन होता है कि किस टाइप से ड्रॉ करना चाहिए, पिरामिड में किस टाइप से बेस बनता है और प्रिज्म में किस टाइप से बेस बनता है, ये दोनों में डिफरेंस है और ये दोनों में किस टाइप से
बेस बनेगा उसका एक स्पेशल वीडियो हमने स्टार्टिंग में दिए थे लेक्चर नंबर 2 में, आप वो भी देख सकते हैं, वो देखेंगे तो आपको बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि प्रॉब्लम में क्या लिखा है तो किस टाइप से ड्रॉ करना, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो चलो यहां पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे कौन सा बेस ड्रॉ करना है वो कैसे पता चलेगा, तो हमने ऑलरेडी यहां बताया है हमें ये बेस ड्रॉ करना है, वो इसीलिए क्योंकि देखो ये पिरामिड का बेस है, ये तो कंफर्म है, ये पिरामिड का बेस है। पिरामिड का बेस कब बनता है, अगर अंदर में ऐसा एजेस अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पिरामिड का बेस बनता है। ये देखिए ये पिरामिड का बेस है, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि पिरामिड में फेस माने 3 पॉइंट्स होते हैं, ट्रायंगुलर फेस कहो या स्लैंट फेस कहो। देखिए ये हेक्सागोनल पिरामिड है, यहां पे ये बेस है ए बी सी डी ई एफ और ये है अपेक्स का पॉइंट, अपेक्स दैट इज ओ। तो यहां पे फेस माने 3 पॉइंट्स होते हैं, वो फेस कौन सा है, तो ये देखिए ये है वो फेस, ये है वो ट्रायंगुलर फेस, तो देखिए इस टाइप का फेस होता है। अब ये स्लैंट फेस क्यों कहते हैं, स्लैंट फेस यानी ही इंक्लाइंड फेस, ये इंक्लाइंड है इसलिए उसको स्लैंट फेस कहते हैं, स्लैंट यानी ही इंक्लाइंड, इंक्लाइंड यानी ही स्लैंट। अब ये ट्रायंगुलर फेस कहो या स्लैंट फेस कहो दोनों एक ही है, और यहां पे ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स बनते हैं, ट्रायंगल में हमेशा 3 पॉइंट्स बनते हैं, तो ये देखिए ये ट्रायंगुलर फेस में 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट बेस के हैं और 1 पॉइंट जो है वो अपेक्स का है। तो अगर हम ये वाला हेक्सागोन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहां पे 3 पॉइंट्स नहीं मिलते, यहां पे सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं। 2 पॉइंट कहां मिलते हैं, देखिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट आपको बेस का मिलता है और एक पॉइंट आपको अपेक्स का मिलता है। इसका मतलब अगर आप ये वाला हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे में आपको स्लैंट एज आपको मिलेंगी, लेकिन हमें स्लैंट एज नहीं चाहिए इसलिए हम ये ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें स्लैंट फेस चाहिए तो हम ये वाला ड्रॉ करेंगे। अगर हम ये वाला ड्रॉ करेंगे तो इसमें स्लैंट फेस मिलेंगे, इट मींस हमें यहां पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। कैसे, क्योंकि यहां पे बेस के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे और 1 पॉइंट अपेक्स का आ जाएगा, तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो यहां पे जो हमें ट्रायंगल मिलेगा, तो क्वेश्चन में लिखा है ट्रायंगुलर फेस ऑन एचपी, तो ये देखिए ऐसा ट्रायंगल मिलेगा और हमें ट्रायंगुलर फेस चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ट्रायंगुलर फेस ऑन एचपी, इसका मतलब हमें ये हेक्सागोनल बेस ड्रॉ करना है, ये कंफर्म होता है, हमें ये हेक्सागोनल बेस नहीं ड्रॉ करना है। अब ये हेक्सागोनल बेस कब ड्रॉ करते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी या स्लैंट एज इंक्लाइन टू एचपी या इन एचपी, तो आपको ये टाइप का बेस ड्रॉ करना है। और ये बेस कब ड्रॉ करते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है एज ऑफ बेस इन एचपी या साइड ऑफ बेस इन एचपी या स्लैंट फेस इंक्लाइन टू एचपी या ट्रायंगुलर फेस इंक्लाइन टू एचपी या इन एचपी, तो आपको ये टाइप का बेस ड्रॉ करना है। अब वो इन एचपी हो सकता है या इन वीपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली यहां पे जो हमने आपको स्टेप्स लिख के दिए थे उसमें से पहला स्टेप है ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना, तो ट्रू शेप ऑफ बेस में किस टाइप का बेस ड्रॉ करना है ये हमने आपको बता दिए, तो हमें ये बेस ड्रॉ करना है। अब ये बेस ड्रॉ करना है ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये बेस कहां ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन के ऊपर या एक्स वाई लाइन के नीचे, वो कैसे समझ में आएगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस ड्रॉ कहां से करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कहां से स्टार्ट करना, ऊपर से स्टार्ट करना या नीचे से स्टार्ट करना, ये कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन में लिखा है अ हेक्सागोनल पिरामिड हैज वन ऑफ इट्स स्लैंट फेस ऑन एचपी, has one of its slant face on HP. अगर slant face on HP है, इसका मतलब हम true shape भी HP में बनाएंगे, इसका मतलब XY line के नीचे। हमने स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताए थे कि अगर क्वेश्चन में दिया है साइड इन एचपी, एज इन एचपी, कॉर्नर इन एचपी, स्लैंट फेस इंक्लाइन टू एचपी, एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी, बेस इंक्लाइन टू एचपी, जनरेटर इन एचपी, एनीथिंग इन एचपी या इंक्लाइन टू एचपी दिया है, तो हमें ट्रू शेप भी इन एचपी ड्रॉ करना है, इसका मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। और यही रूल को आप उल्टा करेंगे तो वो वीपी में बनता है। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है साइड इन वीपी, एज इन वीपी, कॉर्नर इन वीपी, सरफेस इंक्लाइन टू वीपी, एनीथिंग इन वीपी या इंक्लाइन टू वीपी है, तो ऐसे में ट्रू शेप वीपी में बनता है, इसका मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि स्लैंट फेस ऑन एचपी यानी ही ट्रायंगुलर फेस ऑन एचपी, तो हम ट्रू शेप भी एचपी में बनाएंगे, इसका मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे, ये कंफर्म होता है। अब ये ऑन एचपी हो या इन एचपी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, तो फाइनली हमें ये ट्रू शेप ड्रॉ करना है एक्स वाई लाइन के नीचे, तो चलो ये हेक्सागोन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हेक्सागोन ड्रॉ करने के दो ऑप्शन है, या तो आप सर्कल ड्रॉ करके हेक्सागोन ड्रॉ करो, या तो आप हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए डायरेक्टली 120 डिग्री का एंगल लो। तो सबसे पहले हमने एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लिए, इसका मतलब हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए, और अब यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ताकि हमें हेक्सागोन का एज जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रखे।
तो फाइनली हमने ये हेक्सागोनल बेस ड्रॉ कर लिया है और अब हम यहां पे नेमिंग दे देंगे। हेक्सागोन में सिंगल नेमिंग होता है ए बी सी डी ई और ये एफ, और यहां पे आप एक्सिस का नेमिंग देंगे ओ स्लैश पी। तो ये स्टेज नंबर वन दैट इज ट्रू शेप ऑफ बेस हमने कंप्लीट कर ली, और अब यहां से सभी पॉइंट्स ऊपर प्रोजेक्ट करो तो ऊपर हमें मिल जाएगा ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। तो हमने यहाँ के सभी पॉइंट्स ऊपर प्रोजेक्ट कर लिए हैं और ऊपर हमें ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है, क्योंकि पहला स्टेप होता है ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना, वो हमने कर लिए। सेकंड स्टेप होता है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। ट्रू शेप ऑफ सॉलिड में आपको एक्सिस का हाइट शो करना है। यहाँ पे हेक्सागोनल पिरामिड का एक्सिस का लेंथ दिया है 55 mm, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो आप क्या करेंगे, बेस को एक्स वाई लाइन में रखेंगे और यहां से आप 55 mm का लेंथ लेंगे। और बेस को हम एक्स वाई लाइन में क्यों रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है स्लैंट फेस ऑन एचपी। अगर स्लैंट फेस ऑन एचपी है तो बेस भी पहले आपको एचपी में रखना पड़ेगा। तो ये जो बेस है ए बी सी डी ई एफ, ये बेस को आप एक्स वाई लाइन में रखेंगे और वहां से आप 55 mm का लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से 55 mm का लेंथ ले लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 55 mm का लेंथ यहां पे ले लिए और हमें ऊपर पॉइंट मिल गया, दैट इज अपेक्स का पॉइंट मिल गया हमें ओ, और आप बेस के पॉइंट यहां रखेंगे, बी और ए यहां आएगा, ये तो ये हो जाएगा बी डैश स्लैश ए डैश। ये सी पी और एफ यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे मिलेगा सी डैश स्लैश पी डैश स्लैश एफ डैश। डी और ई यहां पे आएगा, तो ये आएगा डी डैश स्लैश ई डैश। और अब हम सभी को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करते समय कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना है, वो रूल्स हमने इसके पहले के वीडियो में भी बताए थे। तो यहां पे हम रूल्स फॉलो अगर करेंगे तो रूल नंबर वन है आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। पहला काम होता है बाहर के पॉइंट्स डार्क करना। तो फर्स्ट रूल हमने फॉलो कर लिए, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, बाहर के पॉइंट्स डार्क। सेकंड रूल होता है ड्रॉ द बेस। सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस, हमें बेस ड्रॉ करना है। बेस का नाम क्या है, बेस का नाम है ए बी सी डी ई एफ। तो सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस। तो यहां पे भी हमने ये देखिए, बेस यहां पे हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, बेस को डबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बेस ड्रॉ हो गया। थर्ड रूल है ड्रॉ द एजेस। थर्ड रूल है ड्रॉ द एजेस। यहाँ पे हेक्सागोनल पिरामिड है तो यहाँ पे 6 एजेस है। तो एजेस कौन सी है, देखिए OA, OB, OC, OD, OE, OF, यहाँ पे 6 एजेस है। तो ये सभी के सभी 6 एजेस आपको वहां पे ड्रॉ करना है। देखिए आप प्रोजेक्शंस नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है। देखिए ऑब्जर्वर यहां से देखेगा और यहां से देख के आप देखो आपको कौन सी एजेस दिखाई देंगी। जो एजेस दिखाई देंगी वो आप डायरेक्ट लाइन से ड्रॉ करेंगे, और जो एजेस दिखाई नहीं देंगी वो आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम अगर हम यहां से देखते हैं तो ये ओबी, देखिए आपको ओबी दिखाई देगा, ओसी दिखाई देगा, ओडी दिखाई देगा। तो ओबी ओसी ओडी ये डार्क आएगा, और फिर ओए ओएफ और ओई ये दिखाई नहीं देगा। ओए जो है वो ओबी के बैक साइड में जाएगा, ओई जो है वो ओडी के पीछे जाएगा, और ओएफ जो है वो ओसी के पीछे जाएगा। तो ओए ओएफ और ओई आपको डॉटेड लाइन से शो करना है, और ओबी ओसी और ओडी आपको डायरेक्ट लाइन से ड्रॉ करना है। तो यहां पर ओबी ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिए, ओडी ये भी हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए, अब बचा बस ओसी। तो ओसी यहां पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हम ओसी यहां पे ड्रॉ कर लिए। तो ये देखिए, ये ओसी आ गया। तो ओबी हमने ड्रॉ कर लिए, यहां पे आ गया, ओडी हमने ड्रॉ कर लिए, और ओसी भी हमने ड्रॉ कर लिए, और बचे हैं ये तीन ओए ओएफ और ओई, जो कि डॉटेड आना चाहिए, वो यहां ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है वो ये तीनों के पीछे है। ओबी के पीछे ओए है, ओसी के पीछे ओएफ है, और ओडी के पीछे ओई है। तो फाइनली ये हमने एजेस यहां पे कंप्लीट कर लिए। थर्ड रूल हो गया ड्रॉ द एजेस। अब लास्ट रूल है, ड्रॉ द एक्सिस। एक्सिस हमें ड्रॉ करना है, लेकिन एक्सिस यहां पे ड्रॉ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां सबसे आगे ओसी आ गया, ओसी के पीछे एक्सिस भी है, और ओसी के पीछे ओएफ भी है, तो आपको एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये हो गया ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, और हमें बस इसका हाइट वगैरह यहां पे जो भी आपने हाइट लिए है वो आपको शो करना पड़ेगा। तो चलो वो हम यहां पे शो करेंगे। तो फाइनली हमने दो स्टेजेस यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं। पहला स्टेप था ट्रू शेप ऑफ बेस और सेकंड स्टेप था ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। तो ये देखिए, ये है ट्रू शेप ऑफ बेस और ये है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, दो स्टेजेस हो गई। और अब थर्ड स्टेप आता है टिल्टेड सॉलिड। ये देखिए थर्ड स्टेप टिल्टेड सॉलिड। टिल्टेड सॉलिड इसका मतलब हमें सॉलिड को टिल्ट करना है, इसका मतलब हमें सॉलिड को झुकाना है। तो क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा, देखो हमें सॉलिड को टिल्ट करके क्या इंक्लाइन करना है और किस टाइप से झुकाना है, वो क्वेश्चन में दिया है। अगर आप क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेक्सागोनल pyramid has one of its slant face on HP. Has one of its slant face on HP, या बोलो triangular face on HP. तो यहाँ पे slant face कहाँ है? हमने यहाँ पे देखो DE edge जो है वो right side में रखे हैं। हमने edge वाला cube बनाए थे, हमने edge वाला इसलिए draw किए थे क्योंकि हमें slant face in HP करना है। तो slant face, देखो slant face में तीन points आते हैं, ये तो हमने पहले बता दिए, slant face यानी triangular face। तो कहाँ पे है यहाँ slant face? तो ये देखिए, ये है वो slant face।
यहां पे है स्लैंट फेस, स्लैंट फेस बोलो या ट्रायंगुलर फेस बोलो, ये है वो स्लैंट फेस, ये जो ODE है, क्योंकि हमने कहा था फेस में थ्री पॉइंट्स होते हैं, थ्री पॉइंट्स में से एक पॉइंट अपेक्स होता है और दो पॉइंट आपको बेस से मिलते हैं। तो देखिए ये जो DE है, ये DE के, इसका मतलब बेस के दो पॉइंट्स आपको यहां मिले और अपेक्स का एक पॉइंट, तो यहां पे हो गए इधर थ्री पॉइंट्स। तो ये स्लैंट फेस राइट साइड में आ चुका है और क्वेश्चन में लिखा है स्लैंट फेस ऑन HP, यानी ही ट्रायंगुलर फेस ऑन HP, मतलब हमें ये स्लैंट फेस ऑन HP आना चाहिए, तब तक उसको टिल्ट कराना है। तो चलो हम इसको टिल्ट कराते हैं, इसका मतलब हम इसको झुकाते हैं, इसको तब तक ऐसे झुकाओ जब तक पूरा का पूरा स्लैंट फेस इन HP ना आए, ठीक है। तो हमें ये स्लैंट फेस ऑन HP करना है, तो ये स्लैंट फेस का लेंथ जो है वो हम स्लैंट फेस का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। देखिए ये स्लैंट फेस का लेंथ हमने कंपास में ले लिए और ये लेंथ आप यहां कहीं पे भी रखो जहां आपका मन करे। तो ये हमने यहां रखे, तो ये देखिए ये हमने यहां रखेंगे और ये हमें मिल गया, यहां पे हमने दो पॉइंट यहां पे ले लिए और यहां पे हम इसको कहेंगे D'/E' और यहां पे आ जाएगा O'। तो हमने क्या किया, ये स्लैंट फेस का लेंथ यहां पे ले लिए कंपास में और ये हमने यहां पे रखे और अब रिमेनिंग पॉइंट्स हमें यहां पे मार्क करना है। तो बेस का ये जो पॉइंट है AB, ये ऊपर जाएगा, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, ये DE से AB का लेंथ लेंगे, इसका मतलब हमने बेस का लेंथ लेंगे। देखो ये हमने बेस का लेंथ ले लिए, यहां पे कंपास का सेंटर यहां पे DE पे रखेंगे और ऊपर हम एक आर्क बनाएंगे ताकि हमें AB का वहां पे पॉइंट मिले। देखिए हमने कंपास का सेंटर DE पे रख के इधर एक आर्क बनाए और अब इधर के स्लैंट फेस का हम लेंथ लेंगे। देखो इधर भी स्लैंट फेस है, इधर भी ट्रायंगुलर फेस है, तो इसका लेंथ हम ले लेंगे, यहां O पे रखेंगे और O पे रख के आप वहां पे कट करेंगे। तो ये देखो हमें बेस का पॉइंट मिल गया, ये बेस का पॉइंट मिल गया, दैट इज B'/A', ठीक है। और बीच में ये जो CPF है वो भी हम यहां पे ले लेंगे और CPF का लेंथ ये देखिए इतना हमने लेंथ ले लिए और यहां पे रखेंगे कंपास का सेंटर और बीच में उसको भी हम कट कर देंगे ताकि यहां पे बीच में वो पॉइंट आ जाए। तो फाइनली अब हम इसको रीड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमने यहां पे टिल्टेड सॉलिड ड्रॉ कर लिया है, हमने थर्ड स्टेप यहां पे कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप होता है टिल्टेड सॉलिड ड्रॉ करना, इसका मतलब सॉलिड को झुकाना होता है। तो हमने इसको पूरी तरह से झुका के एक्सवा लाइन में रख दिए और स्लैंट फेस ऑन HP क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब वो स्लैंट फेस के ऊपर एक्सवा लाइन में रखा है, इसका मतलब ट्रायंगुलर फेस के ऊपर रखा है। तो हमने यहां पे देखो लिखा है स्लैंट फेस ऑन HP ताकि आपको समझने में आसानी हो। एग्जाम में ड्रॉ करते समय आपको ऐसा लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। फाइनली हमने यहां पे टिल्टेड सॉलिड ड्रॉ कर लिया है और अब हम यहां से प्रोजेक्शंस नीचे लेके आएंगे, इधर के प्रोजेक्शंस इधर लेके जाएंगे तो इधर हमें मिल जाएगा टॉप व्यू। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली सभी प्रोजेक्टर्स यहां से नीचे आ गए और इधर के प्रोजेक्टर्स इधर गए और अब हमें यहां पे टॉफी मिलेगा। तो टॉफी के सभी पॉइंट्स कैसे मार्क करेंगे, देखो यहां पे यहां से O का प्रोजेक्टर है और इधर से O का प्रोजेक्टर यहां मिल रहा है, तो ये हो गया O1। देन इधर से A का प्रोजेक्टर जा रहा है, ऊपर से A का प्रोजेक्टर यहां आ रहा है, तो ये हो गया A1। देन इधर से B जा रहा है, ऊपर से B आ रहा है, तो यहां मिलेगा, तो ये हो गया B1। इधर से C आएगा, ऊपर से C आएगा, तो यहां मिल गया C1। इधर से F आ रहा है, ऊपर से F आ रहा है, तो यहां पे मिल गया हमें F1। इधर से D जा रहा है, ऊपर से D आ रहा है, तो यहां हमें मिलेगा D1। इधर से E आएगा, ऊपर से E आएगा, तो यहां हमें मिलेगा E1, ठीक है। और लास्ट में इधर से P जाएगा, ऊपर से P आ रहा है, यहां पे हमें मिल रहा है P1। तो सभी पॉइंट्स हमने यहां पे मार्क कर लिए हैं और अब हमें सभी को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करते समय कुछ रूल्स है जो हमने आपको इसके पहले बताए थे, तो वही रूल्स को यूज करके हम यहां पे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करते समय सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल है आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, बाहर के सभी पॉइंट्स आपको हमेशा डार्क करना है। तो चलो यहां पे आउटर पॉइंट्स डार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट रूल यहां बना लिए हैं, फर्स्ट रूल है आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, तो हमने आउटर पॉइंट्स यहां पे डार्क बना दिए। सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस, सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस, ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा क्योंकि प्रोजेक्टर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसलिए आप इसको ऊपर से देखो और ऊपर से देख के आप बताइए कि आपको बेस दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर बेस पूरा दिखता है तो हम उसका पूरा डार्क लाइन से थ्रू हम उसको ड्रॉ करेंगे और अगर बेस नहीं दिखाई देगा तो हम उसको डॉटेड लाइन के थ्रू, इट मीन्स हिडन लाइन के थ्रू शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऊपर से बेस दिखता है कि नहीं। तो देखो जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो बेस हमें दिखाई दे रहा है, यस बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो हम यहां बेस जो है पूरा डार्क स्ट्रेट लाइन से यहां बना देंगे। हम जब ऊपर से देख रहे हैं, देखिए हम जब ऊपर से देख रहे हैं तो हमें दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं, हमें इधर का सरफेस दिखाई दे रहा है और इधर का सरफेस दिखाई दे रहा है। इधर का सरफेस माने एक फेस है, ट्रायंगुलर फेस है, लेकिन इधर का सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें पूरा बेस दिखाई दे रहा है। देखो इधर पूरा बेस है, A B C D E F, ठीक है, ये देखिए पूरा बेस इधर है। जब आप इधर से देख रहे हैं, जब आप ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको ये फेस
फेस दिखाई दे रहा है और ये फेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको बेस पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जो बेस बनेगा वो डार्क लाइन से बनेगा, इट मींस डार्क स्ट्रेट लाइन से बनेगा। तो चलो हम यहां पे बेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने सेकंड रूल भी यहां पे बना लिए हैं, ड्रॉ द बेस। अब थर्ड रूल की बारी, थर्ड रूल है ड्रॉ द एजेस। कितनी एजेस है हेक्सागोनल पिरामिड में? 6 एजेस होती है। देखिए OA, OB, OC, OD, OE, OF, यहां पे टोटल 6 एजेस है। तो 6 के 6 एजेस हम यहां पे ड्रॉ करना है। अभी सिर्फ हमने यहां पे सिर्फ दो एजेस ड्रॉ किए हैं, देखो OF और OC, OF और OC सिर्फ दो एजेस ड्रॉ किए हैं, वो तो एक्चुअली आउटर में आ गया इसलिए अपन कुछ उसको कर नहीं सकते, लेकिन जो बाकी की एजेस है 4 एजेस वो हमें ड्रॉ करना है। तो रिमेनिंग एजेस ड्रॉ करते समय सबसे पहले हमें OA ड्रॉ करना है। तो OA क्या बनेगा? तो OA हम बना देंगे डार्क स्ट्रेट लाइन से, हम बना देंगे OA। अब ये डार्क स्ट्रेट लाइन कैसे आया, देखो इसके पहले के वीडियो में भी हमने रूल बताए थे, यहां पे हम फिर से रूल बता देते हैं। देखो अगर कोई पॉइंट पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आपको बिल्कुल याद रखना है। हर एक प्रॉब्लम में, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, हर प्रॉब्लम में आपको वो रूल यूज करना है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बोलो या सेक्शन ऑफ सॉलिड बोलो, हर जगह उसका यूज होगा। अगर कोई पॉइंट पे अगर दो डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क जाएंगी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट पे दो डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क जाएंगी, या अगर कोई पॉइंट पे दो डॉटेड लाइन है, दो डॉटेड लाइन अगर है तो थर्ड लाइन भी डॉटेड जाएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स आपको याद रखना चाहिए। और ये रूल जो है सिर्फ इंटरनल पॉइंट्स के लिए है, हमने क्या कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल पॉइंट्स के लिए है, आउटर पॉइंट्स के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, आउटर पॉइंट्स के लिए ये रूल नहीं लगेगा। सिर्फ जो अंदर के पॉइंट्स है, जो अंदर में है, जैसे ए अंदर में है, बी अंदर में है, बस ये दो पॉइंट अंदर में है, बाकी ये जो पॉइंट्स है बाहर के, ये बाकी सभी बाहर के पॉइंट्स है, आउटर पॉइंट्स है, तो उसमें ये रूल नहीं लगेगा। सिर्फ अंदर के पॉइंट्स के लिए ये रूल लगेगा कि अगर कोई पॉइंट पे दो डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क, अगर कोई पॉइंट पे दो डॉटेड लाइन है तो थर्ड लाइन भी डॉटेड, इट मींस हिडन। तो फाइनली यहां पे ए पे ऑलरेडी दो डार्क लाइंस थी, इसलिए हमने थर्ड लाइन जो है वो यहां पे डार्क बना दिए। उसी तरह से ये देखो ओबी हमें ड्रॉ करना है, तो ओबी क्या बनेगा, तो ओबी हम यहां पे डार्क स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बी पॉइंट पे देखो दो डार्क लाइन है, ऊपर भी है और इधर भी है, तो हम यहां पे ओबी यहां पे डार्क बना देंगे। तो ये देखो यहां पे, क्योंकि ओबी जो है, बी जो है वो इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल पॉइंट में वो रूल लगता है जो हमने आपको बताया है। देखिए ये हमने ओबी बना दिए डार्क स्ट्रेट लाइन से, और अब आगे बढ़ते हैं। एजेस पूरी तरह से ड्रॉ हुई नहीं है, ओए हो गया, ओबी हो गया, ओसी तो ऑलरेडी आउटर में है, ओएफ ऑलरेडी आउटर में है, बचा है ओई और ओडी। तो ओई यहां पर क्या बनेगा, तो ओई हम यहां पर बता रहे हैं, ओई जो है वो यहां डॉटेड लाइन के थ्रू शो करना है, इट मीन्स हमें हिडन लाइन के थ्रू यहां पर शो करना है। अब ये क्यों, क्योंकि उसका रीजन बताते हैं, उसका भी हमने इसके पहले के वीडियो में रीजन बताए थे। हमने बताए थे कि अगर कोई डार्क लाइन को अगर आपको क्रॉस कराना है तो डॉटेड लाइन से ही क्रॉस कराना, कभी भी डार्क लाइंस को डार्क लाइन क्रॉस नहीं करती, उसी तरह से डॉटेड लाइन को डॉटेड लाइन क्रॉस नहीं करती, हमेशा डार्क लाइन को डॉटेड लाइन से क्रॉस कराना, या उल्टा बोलो डॉटेड लाइन को डार्क लाइन से क्रॉस कराना। अगर कोई डार्क लाइन है तो डॉटेड लाइन से ही क्रॉस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, या अगर कोई डॉटेड लाइन है तो डार्क लाइन से ही क्रॉस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो ये देखिए हमने ओई जो है यहां पे हिडन लाइन बना दी, इसका मतलब हमने डॉटेड लाइन से क्यों बनाया, क्योंकि यहां पे डार्क बेस यहां पे बीच में आ रहा था, उसको क्रॉस कर रहा था, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से यहां पे क्रॉस करा दिए। अब बचा ओडी, तो ओडी क्या बनेगा, तो ओडी भी डॉटेड लाइन के थ्रू बनेगा, क्योंकि यहां पे बीच में डार्क बेस आ रहा है, तो हम यहां ओडी जो है वो भी हम यहां पे डॉटेड बना देंगे, इट मींस हिडन लाइंस के थ्रू हम यहां ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये हमने ओडी बना दिए डॉटेड लाइन के थ्रू, तो ये बन गया ओडी। तो फाइनली यहां पे रूल नंबर 3 हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। रूल नंबर 3 था ड्रॉ द एजेस, तो ये है ड्रॉ द एजेस, यहां पे 6 के 6 एजेस हमने ड्रॉ कर लिए। अब लास्ट रूल है, लास्ट रूल है ड्रॉ द एक्सिस, एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्सिस के लिए कोई रूल नहीं है, अगर आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है तो आप एक्सिस पूरा बना सकते हैं, अगर एक्सिस के साथ कोई पॉइंट ओवरलैप करता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन यहां पे एक्सिस के आगे पीछे कोई नहीं है। देखो एक्सिस आपको पूरा यहां दिखाई दे सकता है, तो एक्सिस बनाएंगे लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, यहां पर तो एक्सिस दिखाई नहीं दिया क्योंकि एक्सिस के आगे ओसी आ गया, यहां एक्सिस नहीं बना तो यहां भी नहीं बना, लेकिन यहां पे एक्सिस बनेगा क्योंकि एक्सिस के आगे पीछे यहां कोई पॉइंट नहीं है। तो चलो यहां पर हम एक्सिस बनाते हैं लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन,
तो फाइनली हमने यहाँ पे टॉफी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये पूरा टॉफी तैयार है, इसका मतलब हमने फोर्थ स्टेप भी यहाँ कंप्लीट कर लिए जिसमें हमने टॉफी यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब हमें लास्ट स्टेप यहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट इज ऑक्सिलरी प्लेन का यूज करके हमें कुछ और भी इंक्लाइन करना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन अभी भी इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन में अभी भी जो कुछ दिया था वो हमने पूरी तरह से यहाँ ड्रॉ नहीं किए। क्वेश्चन में 45 डिग्री का एंगल एक दिया है वीपी के साथ, तो वो भी हमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन में दिया है एज ऑफ बेस लाइंग ऑन एचपी मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द वीपी, इसका मतलब यहाँ पे जो भी एज ऑफ बेस ऑन एचपी है वो 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है। तो सबसे पहले हमने स्लैंट फेस ऑन एचपी किए थे, ये देखो ये हमने स्लैंट फेस ऑन एचपी किए थे, तो ये स्लैंट फेस में 3 पॉइंट्स है। हमने कहा था कि फेस में 3 पॉइंट्स होते हैं, यानी ही ट्रायंगुलर फेस, ये स्लैंट फेस यानी ही ट्रायंगुलर फेस, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 में से 1 पॉइंट अपेक्स का है और 2 पॉइंट जो है वो बेस के हैं। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 पॉइंट जो है वो अपेक्स का है और 2 पॉइंट जो है वो बेस के है। इसका मतलब ये देखिए 2 पॉइंट जो बेस के हैं वो एक्स वाई लाइन में आ गए, स्लैंट फेस आपने एक्स वाई लाइन में रखे, इसका मतलब स्लैंट फेस में यहां पे जो 2 पॉइंट है डीई ये आपने एक्स वाई लाइन में रखे, इसका मतलब आपने साइड ऑफ बेस एक्स वाई लाइन में रखे, इसका मतलब एज ऑफ बेस एक्स वाई लाइन में है, इसका मतलब बेस का जो एक एज है वो यहां पे इन एक्स वाई है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एज ऑफ बेस लाइंग ऑन एचपी मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द वीपी, मतलब जो एज ऑफ बेस ऑन एचपी है, ये देखिए ये जो एज ऑफ बेस ऑन एचपी है ये एज ऑफ बेस यहां 45 डिग्री इंक्लाइन है। कौन सा एज ऑफ बेस इन एचपी है, यहां पे डीई, ये देखिए ये डीई एज ऑफ बेस जो है वो इन एचपी है, तो यहां पे डीई एज ऑफ बेस इन एचपी है, तो वही डीई एज ऑफ बेस यहां नीचे 45 डिग्री से इंक्लाइन है, ये कंफर्म होता है। समझ में आया? तो चलो फाइनली यही डीई एज ऑफ बेस को एक्सटेंड करो और 45 डिग्री का एंगल लो और यहां पे नया यहां पे फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। हम इसको नॉर्मल प्लेन से भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्लेन से ड्रॉ करते समय आपको ये फिगर को रीड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम जाएगा। एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय लिखा नहीं होता कि ड्रॉ द प्रॉब्लम बाय ऑक्सिलरी प्लेन मेथड या ड्रॉ द प्रॉब्लम बाय नॉर्मल प्लेन मेथड, लेकिन अगर आपको अगर नॉर्मल प्लेन से ड्रॉ करना है कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज में नॉर्मल प्लेन से बना के बताया है तो आप नॉर्मल प्लेन से बनाइए, उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे, इससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल प्लेन में आपका सिर्फ एक टाइम जाएगा रीड्रॉ करने में, क्योंकि हमें अगर इसको 45 डिग्री से इंक्लाइन करना है डीई को, तो हमें ये पूरा सॉलिड, पूरा का पूरा सॉलिड यहां पे रीड्रॉ करना पड़ेगा। वो रीड्रॉ करने के बाद फिर हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर वो रीड्रॉ में अगर कुछ गलती हो गई तो ऑब्वियसली आपका फ्रंट व्यू भी रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए आप ऑक्सिलरी प्लेन से बनाओ, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका आखिरी में अगर कुछ गलती की वजह से अगर आपको मार्क्स कम मिलते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। तो आप ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज करो, बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम ड्रॉ हो जाएगा और करेक्ट भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो फाइनली यहां पे हम डीई को यहां पे एक्सटेंड करेंगे और 45 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये देखो ये हमने डीई को एक्सटेंड कर लिए, यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और 45 डिग्री का यहां पे एंगल ले लेंगे। तो फाइनली हमने यहां पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है, इसका मतलब हमने ऑक्सिलरी प्लेन यहां बना दिया जो कि 45 डिग्री से हमने बनाया इंक्लाइन। हमने क्या किया, डीई को एक्सटेंड किए और डीई को एक्सटेंड करके यहां से हमने ऐसा 45 डिग्री से इंक्लाइन हमने ये एक्सिस बना दिए, और अब यहां के सभी पॉइंट जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली शिफ्ट करो, परपेंडिकुलर टू एक्स 11। इसका मतलब आप यहां के सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस इधर लेके आओ परपेंडिकुलर टू एक्स 11, तो इधर हमें मिलेगा नया फ्रंट व्यू। तो चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमने ऑक्सिलरी प्लेन पे सभी पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलरली इधर शिफ्ट कर लिया है, इट मींस हमने प्रोजेक्शंस लेके आ गए हैं, और अब हमें यहां पे जो मिलेगा वो मिलेगा फ्रंट व्यू, क्योंकि ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू के बाद यहां पे फ्रंट व्यू मिलेगा। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए इसके पहले के फ्रंट व्यू का लेंथ जो है आप उसका यूज करो। इसके पहले का फ्रंट व्यू कहां है, इसके पहले का फ्रंट व्यू ये है, ये फ्रंट व्यू से आप लेंथ लो और यहां पे आप उसका यूज करके फ्रंट व्यू ड्रॉ करो। तो कैसे बनेगा, देखिए ये जो फ्रंट व्यू है इसमें ओ कहां पे, देखिए ओ जो है वो एक्सिस के ऊपर है, तो इसका ओ भी एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो ये देखिए ये ओ की लाइन पे यहां आपको मिल जाएगा एक्सिस के ऊपर O1 डैश। उसके बाद डी और ई जो है वो भी एक्सिस के ऊपर है, ये देखिए एक्स वाई लाइन पे डी और ई है, तो यहां पे भी हम डी के लाइन पे यहां हम एक्सिस के ऊपर शो करेंगे D1 डैश, और ई के लाइन पे हम यहां शो करेंगे एक्सिस के ऊपर, दैट इज E1 डैश। तो हम ये हम बनाएंगे E1 डैश, और CPF इतना ऊपर है, देखिए CPF जो है वो उतना ऊपर है, तो हम कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास में हम इसका लेंथ लेंगे, हाइट में XY से जितना ऊपर है उतना हमने लेंथ कॉम्पास में ले लिए, और ये C के प्रोजेक्टर पे हम यहां पे रखेंगे और यहां मिलेगा C1 डैश, और P के प्रोजेक्टर पे यहां कट करेंगे P1 डैश, और F के प्रोजेक्टर पे हम यहां कट करेंगे तो ये हो गया F1 डैश। तीनों के लिए एक ही है लेंथ, ये देखिए ये C1 डैश, यहां लिखेंगे C1 डैश, ये हो गया P1 डैश और ये हो गया F1 डैश।
ठीक है। और अब लास्ट में ये ए और बी का लेंथ लेंगे, एक्स वाई से इतना ऊपर है तो इतना लेंथ हम ऊपर कंपोस्ट में ले लेंगे, हाइट में है वो, जितना ऊपर है एक्स वाई से जितना ऊपर है उतना ही हमने कंपोस्ट में ले लिए। और अब इतना लेंथ, ये देखिए ये ए का प्रोजेक्टर जा रहा है तो ए के प्रोजेक्टर पे हम कट करेंगे तो ये हो गया ए वन डैश, और बी के प्रोजेक्टर पे हम रख के एक्स वाई लाइन पे रख के हम यहां पे हम मिल जाएगा बी वन डैश और ए वन डैश, तो ये मिल गया ए वन डैश और ये मिल गया बी वन डैश। तो फाइनली हमने सभी पॉइंट्स यहां मिल चुके हैं और अब हम यहां सभी को ज्वाइन करेंगे तो हमें यहां पे नया फ्रंट व्यू मिल जाएगा। ज्वाइन करते समय रूल्स, वही रूल जो हमने आपको इसके पहले बताए थे, रूल नंबर वन, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। तो चलो यहां पे आउटर पॉइंट्स पहले डार्क कर लेते हैं। तो फाइनली हमने आउटर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है, रूल नंबर वन हमने फॉलो कर लिया। रूल नंबर टू है ड्रॉ द बेस, हमें बेस ड्रॉ करना है। बेस का नाम क्या है? बेस है ए बी सी डी ई एफ, ये है बेस। तो हमें अगर बेस ड्रॉ करना है तो बेस ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस कहां से कहां जा रहे देखिए, प्रोजेक्शंस आप इधर से इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्टर्स इधर से इधर जा रहे हैं, तो आप ये सॉलिड को आप इधर से देखो, देखो आप इधर से देखो और देखो कि बेस दिख रहा है क्या। ये देखो प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स यहां से इधर जा रहे हैं, प्रोजेक्टर्स ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो आप सॉलिड को भी ऊपर से देखो, आप इधर से देखो और देखो कि आपको बेस दिख रहा है क्या। तो आपको बेस दिखाई दे रहा है, यस बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बेस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बेस के पास है, देखो आप बिल्कुल बेस के पास है, आप बेस के तरफ से ही देख रहे हैं इसलिए आपको बेस दिखाई दे रहा है। बेस इधर है, अपेक्स इधर है, देखिए बेस इधर अपेक्स इधर, आप बेस के तरफ से देख रहे हैं इसका मतलब आपको बेस पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो बेस बनेगा वो डार्क बनेगा, डार्क स्ट्रेट लाइन से। तो चलो हम यहां पर बेस यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइनली हमने बेस भी यहां पे कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड रूल है ड्रॉ द एजेस, कितनी एजेस है? तो यहां पे 6 एजेस है, OA, OB, OC, OD, OE, OF, तो हमें यहां 6 के 6 एजेस ड्रॉ करना है। उसमें से OA ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया क्योंकि वो आउटर में गया, OE और OD वो भी हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया क्योंकि वो भी आउटर में गया, अब बचा OF, OB और OC, बस हमें ये तीन एजेस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम OF बनाएंगे, F पॉइंट पे दो डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी यहां पे डार्क जाएंगी। देखिए जो हमने रूल्स बताए थे हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये देखिए ये हमने OF बना दी यहां पे डार्क, क्यों? क्योंकि हमने बताए थे कि अगर कोई इंटरनल पॉइंट पे दो डार्क लाइन है तो आप थर्ड लाइन भी डार्क लेके जाएंगे, ये हमने इंटरनल पॉइंट के लिए रूल बताए थे। तो F जो है एक इंटरनल पॉइंट है, इसका मतलब अंदर का पॉइंट है, वहां पे दो डार्क लाइन थी इसलिए हमने थर्ड लाइन भी यहां डार्क बना दिए। और अब हमें नेक्स्ट रूल यहां पे हम ओसी यहां पे ये देखो ओसी भी हमें ड्रॉ करना है। ओसी क्या बनेगा? ओसी जो है वो डॉटेड लाइन से बनेगा, इट मींस हिडन लाइंस के थ्रू हमें ड्रॉ करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे देखो बीच में डार्क लाइन क्रॉस कर रही है, इसलिए हमने रूल बताए थे कि डार्क लाइन को डॉटेड लाइन से ही आपको क्रॉस कराना चाहिए। तो यहां पर ओबी ये देखो ओसी ड्रॉ करते समय बीच में डार्क बेस आ रहा है तो हम यहां पर ओसी जो है वो डॉटेड लाइन से यहां पर शो करेंगे। तो ये देखिए ये हमने ओसी बना दिए डॉटेड लाइन के थ्रू। और एक और एज है जो हमें ड्रॉ करना है ओबी, देखिए ओबी भी हमें ड्रॉ करना है तो ओबी हम बनाएंगे, वो भी हम डॉटेड बनाएंगे क्योंकि बीच में जो है वो डार्क बेस आ रहा है तो हम यहां पे ओबी डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो फाइनली 6 के 6 एजेस हमने यहां बना लिए हैं। और अब लास्ट रूल है ड्रॉ द एक्सिस, एक्सिस के लिए कोई रूल नहीं है, अगर आपको एक्सिस डायरेक्टली दिखाई दे रहा है तो आप एक्सिस पूरा बना सकते हैं। एक्सिस बनाने के लिए लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन का यूज करेंगे, तो ये देखिए एक्सिस आपको पूरा दिखाई दे रहा है तो ये हम एक्सिस यहां कंप्लीट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन तो हमने कंप्लीट कर लिया लेकिन जैसा कि आप प्रॉपरली देख रहे हैं कि ये करेक्टली आया नहीं है क्योंकि एक्चुअली हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये पूरा का पूरा हम ये बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर यही प्रॉब्लम हम ड्राइंग बुक में अगर ड्रॉ करते हैं तो आप तो ये बहुत ही अच्छा बनता और पॉइंट टू पॉइंट आता है। फिलहाल ये थोड़ा सा ये जो शेप है ये आड़ा टेढ़ा हो गया है क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक स्केल और मार्कर पेन से हम बनाते हैं तो ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होने की वजह से ऐसा बना। लेकिन जब आप इसको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, बस आप रूल्स जो हमने बताए थे वही रूल से आप ड्रॉ करो तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा और इसके ऊपर एग्जाम में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन में जो लिखा था वो हमने सब कुछ यहां पे ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन में लिखा था हेक्सागोनल पिरामिड हैज स्लैंट फेस इन एचपी, तो ये देखो हेक्सागोनल पिरामिड का स्लैंट फेस जो है वो हमने ऑन एचपी करे। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि एज ऑफ बेस ऑन एचपी मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द वीपी, इसका मतलब जो एज ऑफ बेस ऑन एचपी है वही एज ऑफ बेस यहां पे 45 डिग्री टू द वीपी है, तो वो भी हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। तो फाइनली ये था प्रोजेक्शन ऑफ
सॉलिड का प्रॉब्लम नंबर 2, इसके पहले हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने वाले वीडियोस भी हमने आपको दिए थे, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स भी हमने स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।